क्या करोगे आईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे, रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर की फिल्म सुपर 30 के 6 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, पिछले शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 सिनेमाघरों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2 साल बाद दोस्तों इस फिल्म से बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर वापस लौटे हैं। पहले दिन दोस्तों फिल्म ने कमाई में 11,83,00,000 रुपए की कमाई कर ली। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी काफी लंबी छलांग लगाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑडियंस के तरफ से मिले हुए इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 18,19,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों तीसरे दिन यानी कि रविवार के दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए 20,74,00,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ 3 ही दिनों का वीकेंड कलेक्शन लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था, जो कि एक काफी बड़ी बात थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का जो 4th दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है वो थोड़ा कम रहा है, क्योंकि दोस्तों वर्किंग डे होने के कारण इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो रहे हैं मात्र 7 करोड़ रुपए के। वही दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों 5वें दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास ग्रोथ नहीं दिखा पाई है और इस फिल्म का कलेक्शन अपने 5वें दिन का रहा है 6,30,00,000 रुपए का। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है लगभग 63 करोड़ रुपए का। बताया दोस्तों आपको कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कबीर सिंह के कारण थोड़ी कम कमाई कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों कबीर सिंह को आज भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन के काम की काफ़ी तारीफ हो रही है। वही दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी कमाल कर रही है। तो बात की जाए यहाँ पर ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ अपने पहले वीकेंड में ही ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर लगभग 19 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। वही दोस्तों 4th दिन और 5वें दिन के कलेक्शंस मिलाकर यह फिल्म अभी तक ओवरसीज से कमा चुकी है लगभग 25 करोड़ रुपए। बताया दोस्तों आपको कि यह फिल्म सुपरस्टार ऋतिक रोशन के कैरियर की 4थी सबसे सफल फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन और उनकी सुपर 30 एजुकेशनल प्रोग्राम के ऊपर बनाई गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ऋतिक रोशन के साथ नजर आई है मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, नंदित संधु और अमित साध जैसे स्टार्स। बताया दोस्तों आपको कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। और बात की जाए अगर इस फिल्म के 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म अपने 6 दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मॉर्निंग से 25% से 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। हालांकि दोस्तों वीकडेज होने के कारण इस फिल्म के जो प्राइस रेट है वो कम हो जाते हैं, इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म के जो 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है और ये फिल्म अपने 6 दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा सकती है लगभग 5,80,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का 6 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में हो चुका होगा लगभग 70 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है लगभग 85 करोड़ रुपए। वही दोस्तों ओवरसीज से ये फिल्म कमा चुकी है 25 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 110 करोड़ रुपए का। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 60 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई करनी थी 80 करोड़ रुपए की, जो कि दोस्तों ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक के बाद ही कर लेगी। वही दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए चाहिए लगभग 100 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके सुपरहिट हो पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।